पाकिस्तानी सेना ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। पुंछ जिले के कस्बा केरी सेक्टर में फिर की गोलाबारी, दागे मोर्टार। फायरिंग में एक व्यक्ति घायल, इलाज के लिए किया गया अस्पताल में भर्ती। आतंकी रियाज नाइकू ने कश्मीर से पंजाब व चंडीगढ़ तक फैला रखा था नेटवर्क, करवाता था हवाला फंडिंग। इस साल 27 ऑपरेशन में 64 आतंकियों का हुआ सफाया, आतंकी रियाज नाइकू का मारा जाना हिजबुल का खात्मा। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने प्रेस वार्ता करके दी जानकारी। स्वास्थ्य जांच बिना लद्दाख पहुंचे बीजेपी सांसद जामयिंग तेर सिंह नामग्याल, शुरू हुआ विवाद, फिर किए गए परिवार सहित 14 दिन के होम क्वारंटाइन में। चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस रजनीश ओसवाल ने जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए कहा, सरकार तय करे दरबार मूव की आवश्यकता है या नहीं। जम्मू में ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम मनाया गया, कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविंद्र शर्मा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से की गई अपील कि बाहरी राज्यों में फंसे नागरिकों को लाया जाए और उन्हें अपने अपने जिलों में भेजा जाए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना ने आतंकी रियाज नाइकू के मारे जाने पर सेना को दी बधाई। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो रहा भेदभाव, NPP चेयरमैन हर्षदेव का बयान। वहीं कोरोना लॉकडाउन के मद्देनजर पुलिस ने नहीं दी विरोध प्रदर्शन की इजाजत। जहां हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक प्रधानमंत्री केयर फंड में अपना योगदान दे रहा, वहीं जम्मू ब्रिक्स क्लीन एसोसिएशन ने 550,000 की रकम प्रधानमंत्री केयर फंड में की डोनेट। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसिलर अमित शर्मा द्वारा लॉकडाउन के दौरान शानदार कार्य करने वाले पुलिस योद्धाओं के सम्मान में उन्होंने SSP जम्मू श्रीधर पाटिल को सम्मानित किया। मौसम विभाग ने पहली बार पूर्वानुमान सूची में गिलगित बल्तिस्तान को किया शामिल। संयुक्त अरब अमीरात में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने पहला विमान रवाना। भारत में कोरोना संक्रमित BSF के 2 जवानों की मौत। CM जगनमोहन रेड्डी ने 1 करोड़ के मुआवजे का किया ऐलान, केंद्र टीम पुणे के लिए रवाना। आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में पेपर मिल में गैस लीक, 7 मजदूर अस्पताल में भर्ती।